दिस इज दर्शन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैंने मंगवाया है सिरेमिक्स का C01 कंडेंसर माइक्रोफोन, जिसकी हम आज करेंगे अनबॉक्सिंग। तो ये मैंने कहाँ से मंगवाया है, कितने में मंगवाया है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंत में, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं इसे अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो इसका जो पूरा नाम है वो है दोस्तों सिरेमिक्स का C01 स्टूडियो कंडेंसर माइक्रोफोन बंडल। तो इस तरीके की कुछ इसकी पैकिंग है, यहाँ पे कंपनी का लोगो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें डिटेल दी हुई है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है माइक्रोफोन विंडो, इस माइक्रोफोन दिया हुआ है, विंड स्क्रीन दी हुई है, पॉप फिल्टर दिया हुआ है, शॉक माउंट, सीजर स्टैंड, 3 मिलीमीटर केबल और 1 ईयर वारंटी के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक कंडेंसर माइक्रोफोन है। ये किस यूज़ में आता है दोस्तों, जैसे कि आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको ना बाहर का बहुत सा शोर आता है, तो उस शोर को कम करता है ये कंडेंसर माइक्रोफोन और एक क्लियर आवाज़ आपकी रिकॉर्ड करता है। तो ये एक पिन भी गिरती है तो दोस्तों उसकी आवाज़ एकदम क्लियर रिकॉर्ड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इन माइक्रोफोन का यूज़ सिंगिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन आप पॉडकास्टिंग और वीडियो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग फटाफट, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिला है। चलिए तो दोस्तों ये है हमारा माइक्रोफोन, चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है एक पॉप फिल्टर। पॉप फिल्टर दोस्तों यूज़ आता है आपकी मुंह से निकलने वाली आपकी जो सलाइवा है, जिसे हम थूक कहते हैं, उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पे इसका जो यूज़ है ये आपकी सलाइवा को रोकता है ताकि माइक्रोफोन ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चल सके। इसके बाद दोस्तों हम क्या देखते हैं इसमें, हमारे पास है एक पिन। ये पिन स्टैंड को टेबल से बांध के रखता है और यहाँ पे हमारे पास एक शॉक माउंट है, इसको आप ये कह सकते हैं कि ये माइक को पकड़ के रखता है। और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास है सीज़र स्टैंड, इसको बोलते हैं दोस्तों सीज़र स्टैंड, इसको आप टेबल से लगा के यहाँ पे माइक लगा सकते हैं। तो ये है हमारी एक XLR केबल, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये XLR केबल है जो कि आपको एक ऑडियो इंटरफेस के साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी तभी आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं और इसमें हमें क्या मिला है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट चीज़ है वो है हमारा माइक। तो इसमें हमें दोस्तों कुछ पैकेट्स मिले हैं, ये पैकेट्स जनरली सिलिका जेल के हैं जो कि इसे साफ रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है हमारा कंडेंसर माइक्रोफोन, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारा कंडेंसर माइक्रोफोन है, कुछ इस तरीके की इसकी ब्रांडिंग दी हुई है। तो दोस्तों ये जो माइक है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इसकी जो वैल्यू है वो है 8,000 रुपीज़ पर पीस अगर आप मंगवाते हैं तो। और ये मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से। तो ये मैंने कितने में मंगवाया ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सो ये जो माइक है दोस्तों ये मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ कि ये मैंने ये देखिए ये अमेज़ोन का पैकेट है जिसमें मैंने मंगवाया था। तो जनरली ये माइक जो है ये 8,000 रुपये का आता है bajao.com पे, और अगर आप इसे अमेज़ोन से भी ख़रीदते हैं तो ये लगभग 6,220 रुपये का पड़ेगा XLR और 8,000 समथिंग का पड़ेगा आपको USB माइक्रोफोन। अगर आप इसे एक अच्छी डील में ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डिस्काउंट कूपन होना चाहिए, जो कि मेरे पास अवेलेबल था। तो मैंने इसे मंगवाया है 2,190 रुपीज़, जी हाँ मुझे लगभग 4,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिला है। तो सोचिए कितनी अच्छी डील थी, तो मैंने इसे हाथ से जाने नहीं दिया और मैंने इसे तुरंत मंगवा लिया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको लगे कि आपको भी ये मंगवाना है तो नीचे दी हुई लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप उससे जाके मंगवा सकते हैं। थैंक यू।